छात्रों, आज हम ग्रामर में संधि ये टॉपिक देखने वाले हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना, मतलब दो शब्दों को यहाँ पर जोड़ देना है। जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती है, ध्वनियाँ मतलब साउंड्स, उसे संधि कहते हैं। जैसे दया प्लस आनंद, इसका शब्द क्या बनेगा? दयानंद। धर्म प्लस अर्थ, इसका इकट्ठा शब्द क्या बनेगा? धर्मार्थ। तो इस तरह से संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ जब दो साउंड यहाँ पर ध्वनियाँ आपस में मिलती है तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दया प्लस आनंद यानि दयानंद, धर्म प्लस अर्थ यानि धर्मार्थ। दो यहाँ पर साउंड जो है ध्वनियाँ मिलकर क्या है, आपस में मिल जाती है और एक शब्द का दो शब्दों को यहाँ पर ध्वनियों को जोड़ देता है। तो इस तरह से संधि के आज हम तीन प्रकार देखेंगे। तो संधि तीन प्रकार की होती है। एक है स्वर संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का आपस में मिलना, पास पास आने पर दो स्वरों में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उसमें कई प्रकार है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि, ये स्वर संधि कहलाती है। तो यहाँ पर पहला वर्ड पढ़ेंगे अ प्लस अ, मतलब दो यहाँ पर स्वर मिले हैं, आ बना है, और शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ। इस तरह से दो आ मिल जाएंगे तो आ बनेगा हिम प्लस आलय, हिमालय। ई प्लस ई, बड़ी ई आती है यहाँ पे, रवि प्लस इंद्र, यहाँ पर क्या बनेगा शब्द? रविंद्र। ई प्लस ई, एक छोटी ई एक बड़ी ई, तो यहाँ पर बड़ी ई बनती है। कपि प्लस ईश, कपीश। दूसरा है गुण में अ प्लस ई, ये क्या बनेगा? ए बनेगा। यहाँ पर सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, ए जो है साइलेंट आएगा, यहाँ पर ध्वनि आएगी, उसकी साउंड आएगा। अ प्लस ई, ए बनेगा उसका। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य में देखेंगे गण प्लस ईश, ए बना गणेश। आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ बनेगा, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आ प्लस रूप अर, मतलब महा महर्षि। इस तरह से आप ये शब्द पे ध्यान देंगे तो ध्वनियों को जोड़ना, यहाँ पर दो स्वरों का मिलना यानी स्वर संधि यहाँ पे कहलाती है। उसके बाद में आगे हम देखेंगे वृद्धि संधि में आ प्लस ए, आ प्लस ए, एक बड़ा ए बनेगा, सदा आया प्लस यहाँ पे एवं का ए, मतलब आ प्लस ए क्या आएगा? सदैव। इस तरह से बनेगा। यहाँ पर अ प्लस ओ, इसका ओ बनेगा। वच वन अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर साइलेंटली अ आएगा, प्लस औषधि यहाँ पर, तो ये क्या आएगा? वन औषधि। अ प्लस ए, बड़ा ए, तो यहाँ पर लोक प्लस एशना, लोकेशना। आ प्लस ओ, बड़ा ओ बनेगा, महा प्लस ओज, महोज। इस तरह से उसको वृद्धि संधि कहते हैं। नंबर चार पे हमने देखना है यन संधि। उ प्लस अ, यहाँ पे क्या बनेगा? व बनेगा। तो सु अगर अपन जब बोलेंगे तो ध्वनि किसकी आएगी? उ की आएगी, और अच्छा यहाँ पे अ माना जाएगा। सु प्लस अ, यहाँ पर स्व शब्द क्या बना उसका? स्वच्छ। ई प्लस अ, यहाँ पर अ आएगा, तो यदि प्लस अपि, यहाँ पे दी यानी ये आया, ध्वनि आई, और यहाँ पे अगर शब्द आप देख रहे हैं अपि, तो का उसका अ यानी यद्यपि। ई प्लस आ, यहाँ पर क्या आएगा? या आया। नदी प्लस आ, आगम, नदी आगम। उ प्लस आ, वा बनेगा। सु सु, वो आया ध्वनि, आगत में आया, और स्वागत। इस तरह से यहाँ पर यन संधि कहलाती है। नंबर पाँच पे अयादि संधि है। यहाँ पर ए प्लस अ, ए बनेगा, मतलब हम शब्द देखेंगे शे, तो
तो साइलेंट ध्वनि क्या आई, ए की प्लस अन, अन में अ पहला यानी शे प्लस अन, यहाँ पर शयन, ए प्लस अ ए, गए 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 में क्या आया साइलेंट ध्वनि ए, अक, तो यहाँ पर बना गायक, आ प्लस अ औ, यहाँ पर पो अन पवन, ओ प्लस अ आव, भाव प्लस उख भावुक। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये स्वर संधि के हैं। दो स्वर जहाँ पर आते हैं दोनों साइड में स्वर होंगे तो वह स्वर संधि है। अब दूसरा हम देखेंगे प्रकार व्यंजन संधि, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन का। पहले में देखा हमने दो स्वर, यहाँ पर हम क्या देखेंगे व्यंजन, एक साइड व्यंजन एक साइड स्वर, या दोनों साइड में अगर व्यंजन है तो वो उससे जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम पहला पढ़ रहे हैं व्यंजन है एक साइड में स्वर है। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, व्यंजन प्लस स्वर इज इक्वल टू व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन, स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू स्वर। इस तरह से दो स्वर, स्वर संधि, उसके बाद में व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं शब्द दीख, यहाँ पर व्यंजन है क और प्लस गज, ग ग आया, अ ध्वनि आई, साउंड आया गज, मतलब यहाँ पर एक व्यंजन एक स्वर है दिग्गज। चित प्लस आनंद, आ आया, यहाँ पर ची यानी व्यंजन है चिंदानंद। अच च में व्यंजन आया प्लस आदि में आ स्वर आया, अच प्लस आदि अजादी। दूसरा हम देखेंगे व्यंजन प्लस व्यंजन, अब दोनों साइड में यहाँ पर व्यंजन रहेंगे। पहले में आप देख रहे हैं सत, यहाँ पर व्यंजन है, जन में ज, यहाँ पे अ आ ई ई है, स्वर है नहीं है तो यहाँ पर ज है, तो प्लस व्यंजन क्या बनेगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। सज्जन, सम, म में देख रहे हैं आप व्यंजन है, यहाँ पर सेकंड में देखेंगे आप चार है, चा है, तो यहाँ पर ये भी व्यंजन है। संचार, वाक प्लस जाल, वाक जाल। तत् प्लस लीन, तल्लीन। नीर प्लस रोग, निरोग। तो इस तरह से स्वर संधि में दो स्वर होते हैं, दोनों साइड में स्वर रहेंगे, आपको वो ज्ञात करना रहेगा। व्यंजन संधि में एक व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है या दोनों साइड में व्यंजन होंगे तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो इस तरह से आपने देखा। अब विसर्ग संधि में विसर्ग दो डॉट आते हैं के बाद व्यंजन आने पर यहाँ परिवर्तन विसर्ग संधि में कहलाता है। तो विसर्ग संधि के एग्जांपल्स, एक विसर्ग नी प्लस चय निश्चय, दू विसर्ग का चिन्ह प्लस गति दुर्गति, तप यहाँ पे विसर्ग के दो बिंदी आई हैं या प्लस बल तपोबल, मन विसर्ग का चिन्ह आप देख रहे हैं प्लस योग यहाँ पर मनोयोग। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, संधि, संधि किसे कहते हैं, जो शब्दों को, शब्दों का अर्थ यहाँ पर उसको जोड़ना है उस तरह से। उसके बाद हमने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान में रखने वाली क्या बात है, स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू स्वर, स्वर प्लस व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन, और तीसरा जो है विसर्ग में, विसर्ग में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था आपको कि विसर्ग में चिन्ह यहाँ पर विसर्ग का आता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग में ही होगा। मैंने आपको बताया नी ये जो है शब्द के बाद विसर्ग आया, उसके बाद में स्वर आए या व्यंजन आया, च आया अ आया तो स्वर आया तो भी निश्चय। इस तरह से ये संधि के प्रकार।